जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एस फैक्ट जोन में। तो दोस्तों, क्या आप बिना हाथ और पैर के जिंदगी के बारे में सोच भी सकते हैं? सोचने से ही बहुत बुरा लगता है, लेकिन ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि बिना हाथ और पैर के जिंदगी जी रहे हैं। आज मैं उन लोगों में से एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिनका नाम निक व्यूजेसिक है। दोस्तों, निक व्यूजेसिक का जन्म मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उन्हें जन्म से ही ट्रेटा अमेलिया सिंड्रोम नामक बीमारी थी। इनकी जिंदगी बचपन से ही काफ़ी संघर्ष भरी थी। बचपन से ही इन्हें काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता था। निक के माता पिता इन्हें हर तरह से आत्मनिर्भर करना चाहते थे। दोस्तों, छोटी उम्र से ही निक को तैरना, पेंसिल व पेन पकड़ना व लिखना सीखते थे। दोस्तों, उनके माता पिता ने उन्हें स्पेशल स्कूल के बजाय आम स्कूल में भेजना ठीक समझा, जिससे वह आम बच्चों की तरह ही अपने को समझे। निक ने दुखी होकर 10 वर्ष की उम्र में आत्महत्या भी करने की कोशिश की, क्योंकि उनका आम बच्चे मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, 13 वर्ष की उम्र में उनकी मां ने उन्हें अखबार में प्रकाशित एक लेख निक को पढ़कर सुनाया, जिसमें एक विकलांग व्यक्ति की सफलता की कहानी लिखी थी, जिसके बाद उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में वह अकेले व्यक्ति नहीं है और परिश्रम व संघर्ष द्वारा आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, 2010 में निक ने लाइफ विदाउट लाइम्स नाम की किताब लिखी। अब तक 7 किताबें वह लिख चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको निक को देखना है तो आप उन्हें फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं, जो कि ये है। दोस्तों, आप इस पर आकर इन्हें देख सकते हैं। इनका 10 मिलियन फॉलोअर है। दोस्तों, और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए हमारे इस एस फैक्ट जोन को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, ओके बाय।